हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा समाचार में आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा रेडियो पासपोर्ट, ठीक है। ये क्या काम आता है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग में लिया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, रेडियो पासपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर कणिकाओं का आकार, सॉरी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC का जो है संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। एक बार फिर समझते हैं, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसियन लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरमिजी लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, अभी केंद्रीय बल के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक चुंबक एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, पहली घटना है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी, तो पहली घटना कौन सी है इसमें, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो इसमें लाल नीला हरा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लवन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, जय हिंद।